न्यूज और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। इस वक्त की खास और अहम खबर आ रही है यूपी के बुलंदशहर से, जहां यूपी के योगीराज में बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ देर पहले बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में एक वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ जा रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राजकुमार को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनामी बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक बाइक, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इनामी बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो मुखबिर के जरिए पुलिस को जैसे ही इनामी बदमाश राम कुमार के आने की खबर मिली तो पुलिस ने सिकंदराबाद ग्रेटर नोएडा मार्ग पर ग्राम आधा के पास बदमाश की घेराबंदी करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश घायल हो गया है, जिस पर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, एक मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच, कितने बदमाश थे, पुलिस को कैसे सूचना मिली, क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास है और कितने राउंड इस मुठभेड़ में फायरिंग हुई थी? आज जो है मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि राजकुमार सनमवीर सिंह जो है अपने साथियों से मिलने के लिए चोला की तरफ से बिंसुरी रोड पर जा रहा है, तो इंस्पेक्टर सिकंदराबाद और उनकी टीम द्वारा चेकिंग लगाई गई और जैसे ही वो बाइक से आ रहा था तो वो उसने हाथ दिया पुलिस ने, तो वो धीमे किया मोटरसाइकिल और पुलिस के पास आते ही उसने एकदम एक्सीलेटर बढ़ा दिया और वो बिंसुरी रोड की तरफ भागा। पुलिस उसका पीछा की, वो घिरता देख करके पक्के रोड से कच्चे चक रोड की तरफ भागा, जहां उसकी मोटरसाइकिल खड्ड में गिर गई और उसने गिरते ही मोटरसाइकिल को छोड़ा और पुलिस के ऊपर एक फायर किया, फिर आगे जाके फिर पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस ने आत्मरक्षा हेत एक गोली फायर की और फिर आगे भागा, फिर उसने तीसरा राउंड फायर किया और पुलिस ने दूसरा राउंड फायर किया और उसके टांग में गोली लगी और गिर गया और पुलिस ने उसको दबोच लिया। इस पर आधा दर्जन मुकदमे जो है हैं इस पर और 25,000 का इनामिया है। लगभग कुल कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? तीन राउंड बदमाश ने फायर किए और दो राउंड पुलिस ने फायर किए, उससे तीन जिंदा राउंड और एक 315 का तमंचा बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल उसकी खड्ड में फंस गई थी। पुलिस टीम का कोई आदमी तो घायल नहीं? नहीं नहीं, पुलिस टीम का कोई घायल नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष। मृतका के आप कौन लगते हो? बेटा। क्या घटना घटित हुई? सोच के आ रही थी, रोड पास कर रही थी, चार पहिए वाहन ने एक्सीडेंट मार दिया। कौन आ रहा था सोच करके? हमारी माँ। क्या बजे की बात है ये? 5:30 बजे की। वाहन किधर से आ रहा था? दिवाली तरफ से। अच्छा, तो एक्सीडेंट जो हुआ था सुबह, उसमें मौत मौके पर ही हुई थी या कहीं ले जाते टाइम हुई? फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।